हेलो गाइस, आज की रेसिपी बहुत डिलीशियस होने वाली है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं चीज रोल, जो कि बनाना बहुत इजी है और खाने में उतना ही टेस्टी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं फूडी गो। So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should sell. यहाँ पर मैंने सबसे पहले दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगा, बारीक बारीक। हमें ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इसी साइज करने हैं, ये देखिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च लिया है। इसे भी हम सेम वैसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। इससे पहले हम बीज निकाल लेते हैं, ये देखिए। इस तरह से आपको पहले करना है, उसके बाद हमें छोटे छोटे पीसेस में सारे कर लेने हैं, ताकि हमारा शिमला मिर्च जो भी है वो सही से पक जाए हमारे आलू में। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से कट करना है, ये देखिए प्रॉपर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी मैं कट कर लूँगा इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने ये धनिया पत्ता लिया। तो गाइस, आप जब भी धनिया पत्ता किसी भी चीज़ में यूज करें, डालें, तो आपको धनिया जो जड़ें होती हैं वहाँ से आप काटना स्टार्ट करें, वो इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, ये देखिए इस तरह से। ये मैंने 100 ग्राम तकरीबन सफल मटर लिया है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। और ये मैंने दो ब्रेड को मैंने ये अच्छी तरह से मैंने धूप में सुखा लिया था, इसे अब हम इसे पाउडर कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए, ताकि हमारे ये देखिए क्रिस्पीपन बने। और ये मैंने यहाँ पे आलू को उबाल लिया था, तो उसे में हम मैश कर लेंगे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको मैश कर लेना। इसके बाद हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके बाद ये मैंने ऑर्गेनो डाला है आधा चम्मच। उसके बाद ये मैंने साल्ट डाला है, ये हल्दी पाउडर। उसके बाद ये मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट लिया था, वो मैंने सारा डाल दिया था इसमें इस तरह से। और ये काली मिर्च पाउडर है। और हम जितने भी हमने सब्जियां काट के रखा था वो सारे ऐड कर देंगे इसमें, ये देखिए इस तरह से सारी सब्जियों को ऐड कर देना है। धनिया पत्ता भी आ गया इसी में, मटर भी आ गया है, ये देखिए गाइस। और मैंने यहाँ पे 100 ग्राम तकरीबन पनीर लिया है, इसे हम गैस करके इस तरह से डाल देंगे, ये देखिए गाइस। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि आप गाइस अपने हाथों से मिक्स करें, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स होता है, प्रॉपर हर जगह पे अच्छी तरह से मिक्स होता है, ये देखिए गाइस अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने यह पे ये चीज़ क्यूब लिया है। चीज़ क्यूब को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक चीज़ क्यूब को मैंने चार पीसेस करे हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसके अंदर रख कर और ऊपर से ये देखिए इस तरह से राउंड राउंड कर देंगे, ये देखिए ये ऐसे ही हम सारे पीसेस में कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 6 पीस कर तैयार करे हैं। और ये मैंने 2 चम्मच यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है अरारोट, और 1 चम्मच मैदा, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें नॉर्मली पानी से इसका हम लिक्विड तैयार कर लेंगे, पेस्ट टाइप का तैयार कर लेंगे। आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पतला ही रखना है हमें, ये देखिए इस तरीके से पतला करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है ऑरेंज, इससे कलर बहुत अच्छा आता है दिखने में, ये देखिए इस तरह से हमारा तैयार है। अब हमारा सारा सामान तैयार है। हम सबसे पहले तेल गरम कर लेते हैं। मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं तेल। अब देखिएगा इस यहाँ पर मैंने ये रोल इसी तरह से उठाया है और हमने इसमें डिप करा है जो हमने तैयार करा था। और ये जो हमने ब्रेड का जो हमने चूरा बनाया था उसमें हमें सिंपली ये देखिए इस तरह से मिक्स कर देना, लगा देना ऊपर ऊपर, ये देखिए फोल्ड कर देना अच्छी तरह से, ये देखिए हम ऐसे ही सारे पीसेस को ऐसे इस तरह से डिप करके कोट कर लेंगे, ये देखिए गाइस हमारा तेल गर्म है। तो हमें गाइस आप ध्यान रखें इस बात का, आप बहुत तेल गर्म होता है तो बहुत ध्यान से आप तेल में ये सारे पीसेस को ऐड करें, बहुत ध्यान से, क्योंकि तेल गर्म होता है छींटे पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी पलटे का इस्तेमाल करा है, चाहता तो मैं हाथों से डाल सकता था मगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। ये गाइस हम सारे पीसेस को ऐड कर देंगे यहाँ पे, आपको बहुत ध्यान से रखना है, ये देखिए गाइस 2 मिनट मैंने यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं पकाया, बस मैंने 2 मिनट ही पकाया है, गैस फुल है, ये देखिए गाइस 2 मिनट बाद हमने इसे पलटा है तो हमारा
बहुत अच्छा कलर आया हुआ है, ये देखिए गाइस, बिल्कुल प्रॉपर। अब हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। दूसरी साइड से हम एक मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, और गैस को बिल्कुल हाई पे ही रखना। अब मैंने यहाँ पर गैस कम कर दिया, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे दोनों चारों तरफ से कलर अच्छी तरह से पक गया है, आ भी गया कलर, ये देखिए गाइस हमारा प्रॉपर तैयार हो गया है। मैं अच्छी तरह से तेल को निचोड़ कर फिर हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए गाइस। तो यहाँ पर मैंने ये सॉस लिया है, टोमेटो केचप, आप कोई सा भी सॉस ले सकते हैं जो आपको पसंद है। ये देखिए गाइस हमारा डिलीशियस चीज़ रोल तैयार है खाने के लिए। गाइस आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं आपको कट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो गया है, ये देखिए गाइस। मैंने ये खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जब इसका चीज़ का बाइट जो मेरे मुंह पे आ रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। गाइस चीज़ रोल बनाना बहुत ईजी है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें, देखना बहुत अच्छा बनेगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।